फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टुडे वी विल टॉक अबाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर 4 क्लास 8 यू आर वेलकम ऑन योर ऑनलाइन क्लासेस एनबीपीएस। आज हम बात करेंगे मेटलॉइड्स के बारे में, यूजेस ऑफ मेटलॉइड्स। तो मेटलॉइड्स जो होते हैं वो कैसे कैसे यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजों में यूज किया जाता है मेटलॉइड्स का, ठीक है, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज वगैरह है वहां यूज किया जाता है, कंप्यूटर इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, एंड ये मैन्युफैक्चरेशन ऑफ सिलिकॉन, मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के फॉर्मेशन के लिए भी यूज किया जाता है मेटलॉइड्स, ठीक है। तो ये तो हो गए यूजेस ऑफ मेटलॉइड्स। एंड अब बात करते हैं एलॉयज। एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं जो वन या टू मेटल और नॉन मेटल, वन या टू और मोर मेटल और नॉन मेटल्स के मिक्सिंग से जो फॉर्मेशन होती है उसको बोलते हैं एलॉयज। तो एलॉयज क्या हुए? एन ओला एलॉय इज अ मेटेलिक कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स, कंपोज्ड ऑफ टू और मोर मेटल्स इज कॉल्ड एलॉय, ठीक है। तो एलॉय कैन बी यूज टू इंक्रीज हार्डनेस ऑफ मेटल्स। एलॉय का यूज इसलिए करते हैं मेटल्स की हार्डनेस को बढ़ाने के लिए। तो इट इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल्स, ठीक है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन से, जैसे ब्रास है, ब्रोंज है, ड्यूरेलिनियम है, मैग्नीलियम है, स्टेनलेस स्टील है एंड सोल्डर है, ठीक है। तो ये मेटल्स जो है ये इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल्स की जगह यूज करते हैं, मतलब एलॉयज के फॉर्मेशन में क्यों किए जाते हैं? क्योंकि मेटल्स की हार्डनेस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो मेटल्स के यूजेस पढ़े थे, नॉन मेटल्स के यूज पढ़ लेते हैं और मेटलॉइड्स के भी पढ़ लिए। एंड एलॉयज क्या होता है, एलॉयज का फंक्शन क्या होता है? एलॉयज क्या होते हैं? टू और मोर मतलब कंपोजिशन ऑफ टू और मोर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या तो दो मेटल्स या दो से ज्यादा मेटल्स, या दो नॉन मेटल्स या दो से ज्यादा नॉन मेटल्स, या मेटल और नॉन मेटल्स, जब इनका कंपोजिशन हो यानी कि कंपोज हो, इनका फॉर्मेशन हो, जो नया फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड एलॉयज। एंड एलॉयज का फंक्शन किस, एलॉयज क्या रोल प्ले करते हैं? इट इंक्रीज द हार्डनेस ऑफ मेटल्स, ठीक है, मेटल्स की हार्डनेस को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स, ठीक है। कोरोजन ऑफ मेटल्स का एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो ये कब होती है? जो कोरोजन ऑफ मेटल्स होता है, जब भी कोई मेटल मॉइस्चर प्लेस में हो यानी कि वहां पे ऑक्सीजन या हाइड्रोजन की प्रेजेंस हो, मॉइस्चर प्लेसेस में अगर मेटल्स प्रेजेंट हो तो उसमें कुछ कोरोजन टाइप का यानी कि रेड ब्राउन टाइप का एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिसको बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, जिसे बोलते ना कि काई लग जाती है। तो कोरोजन ऑफ मेटल्स में क्या होता है, जो रेड और ब्राउन कलर की जो लेयर फॉर्मेशन हो जाती है मेटल के ऊपर, कब हो जाती है? जब वो मॉइस्चर प्लेस में हो, ठीक है। मॉइस्चर प्लेस कहाँ होती है? जहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, ठीक है। तो जो मॉइस्चर प्लेस में मेटल प्रेजेंट है तो जो उसमें रेड और ब्राउन कलर की लेयर फॉर्मेशन हो जाती है तो इसको तो कहते हैं कोरोजन ऑफ मेटल्स। अब एग्जाम्पल लेते रस्टिंग ऑफ आयरन का, ठीक है। तो आयरन Fe जब आयरन था वो वाटर यानी कि मॉइस्चर प्लेस में रखा गया तो ये रिएक्ट करके फॉर्मेशन करेगा Fe2O3 and H2। तो जो आयरन ने फॉर्मेशन की फेरस ऑक्साइड की तो Fe आयरन जो था वाटर के साथ रिएक्ट किया था, फॉर्मेशन की फेरस ऑक्साइड की। तो फेरस ऑक्साइड के में क्या होता है, आयरन के ऊपर रेड ब्राउन कलर की रेड ब्राउन शेड की एक
जाती है। नाइन तो इसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो कोरोजन ऑफ मेटल का एक एग्जांपल हुई है रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड जब इससे बचते कैसे, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। तो फर्स्ट तो है या तो उसको पेंट कर दो, अगर किसी आयरन पे रस्टिंग हो गई मतलब उस पर काई लग गई है तो उसे पेंट करके हम रोक सकते ना, ठीक है। सेकेंड उसको मॉइस्चर प्लेस से आउट करो, ठीक है। एंड थर्ड इज या तो उसके ऊपर ग्रीसिंग और ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। एंड फोर्थ इज यूजिंग सिलिका जेल। सिलिका जेल को हम यूज करते हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में, ठीक है। तो ये फोर टाइप्स जिससे हम प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है पेंट, सेकेंड है उसको मॉइस्चर प्लेस से आउट करो, एंड ऑयलिंग और ग्रीसिंग करो, एंड फॉर दिस यूजिंग सिलिका जेल से उसको रोक सकते हैं। एंड योर चैप्टर इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, मेटल एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट टाइम आई विल रीड यू नेक्स्ट चैप्टर 5।